पूरे विश्व में भाजपा ही है जब से प्रसिद्ध होता जा रहा है अपना देश। भारत माता की जय। मतलब जब से भाजपा ही पूरे दुनिया में भारत प्रसिद्ध हो रहा है। जी जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल प्रसिद्ध हो रहा है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। जी बिल्कुल बज रहा है, भारत को लोग जान रहे पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया जान गई। कहीं भी आप जाइए भारत का नाम लेते ही आपकी इज्जत होगी। हम कम से कम 6 देशों में घूम के आए हैं, भारत का नाम लेते ही आपको तुरंत वहाँ पे पूरा इज्जत के साथ आपका वैल्यू होगा। 2014 के बाद घूमने गए थे कि पहले गए थे? नहीं 2014 के बाद गए, 2014 के बाद गए। 2014 के अगर पहले जाते तब भी हो सकता आप लोग आपको पहचान लेते कि हाँ भारत से आए। हम उससे पहले गए नहीं कहीं, उसके बाद पहले कभी नहीं गए हैं 2014 के बाद। कैसे पता कि 2014 के बाद दुनिया में डंका बज रहा है? बज रहा है डंका अच्छा इस तरह, क्योंकि हर जगह जाइए जहाँ मोदी योगी का ही नाम हो रहा है। किसी भी देश में चले जाइए, प्रधानमंत्री मोदी है तो नाम तो उन्हीं का होगा ना, कि देश के प्रधानमंत्री भाई है, इंडिया के प्रधानमंत्री है तो उन्हीं की चर्चा आदमी करेगा ना। नहीं आप कहीं भी जाइए, हम गए थे 6 देशों में, जहाँ भी जाइए स्टेशन पे उतरते ही लोग नाम लेते हैं भैया भारत से आए हैं। अरे ये तो मोदी जी के देश के, योगी जी के देश के। अब 2014 के बाद हम 6 जगह जा चुके हैं, बहुत अच्छा सम्मान मिला। 2014 के पहले कहीं नहीं गए? नहीं उससे पहले हम नहीं गए। और आपको लगता है कि 2014 के बाद दुनिया में भारत को लोग जान रहे हैं? हाँ भारत का डंका बज रहा है, हर जगह बज रहा है। 2014 के पहले नहीं जानते थे? हम कहीं गए ही नहीं है उससे पहले, हम इसलिए हमको जानकारी नहीं। आप कैसे करो कि 2014 के पहले डंका नहीं बज रहा था? के बाद हमें अनुभव हुआ कि जहाँ भी जाइए आपका सम्मान बढ़ेगा। 2014 से पहले आप जाते तब ना समझ में आता कि 2014 के पहले भी भारत को लोग जानते थे? उससे पहले भी सुना जाता था लेकिन कहीं नाम नहीं था। अरे रुक जाइए बात कर लेने जी, आपको भी बढ़िया मौका देंगे 2-4 मिनट का, लेकिन भाई साहब बढ़िया बात कर रहे हैं। उसी में बता दे रहे हैं, 1 मिनट का मौका दें भाई साहब, बता रहे हैं 2014 के बाद दुनिया में भारत को लोग जान रहे हैं। 14 के बाद जब 26/11 हुआ था तो 14 के बाद हुआ था, मेरे 26/11 बता रहे, सॉरी 26/11 पर जो हुआ था, 26/11 हमला हुआ था बम्बई में। 2014 के पहले हुआ था ना? कहाँ कह रहा हूँ, 2014 के बाद मनमोहन जी की सरकार थी, फिर वो गए पेटी रखे के रख लिए, वो कहे ओसामा जी वो मामा जी हमें बचाइए, हमारे ऊपर हमला हो गया है, पाकिस्तान ने किया है, और पाकिस्तान कहे कि हम नहीं किए हैं। अब वही पाकिस्तान कहता कि मोदी जी हमारे ऊपर हमला किया है, अब ये हो रहा है। अब रही 2000 के आदेश, हाँ देश में तो आप बता रहे हैं, आपने कहा कि कौन नेता मजबूत है, राहुल गांधी की मोदी जी, यही तो है ना। उन्हीं की माताजी रायबरेली से सांसद हैं, 57 साल से 2019 तक कांग्रेस का राज है रायबरेली में। काम नहीं हुआ रायबरेली में? है? काम नहीं हुआ, कहाँ काम हुआ भाई, 2019 से बताइए, हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं भैया। अरे मुद्दे पे बात आप कर रहे हैं, आप रायबरेली जा रहे हैं, आप मनमोहन सिंह को लेकर यूएन चले गए, अभी बताइए मोदी जी पिछले 9 सालों में हैं, 9 सालों से हैं, आपको क्या लगा देश में क्या क्या हुआ? अरे हमारे पास कुछ नहीं था, हम एक चीज कहेंगे कि आप गोंडा जानते हैं, हमारे पास कुछ नहीं था, कहाँ था भाई, कुछ नहीं था भारत में था, लेकिन इसके पहले क्या था, यही था कि हमारे पास गोंडा जाने के लिए सड़क यही लखनऊ से नहीं थी। 2014 के पहले सड़क नहीं थी? नहीं थी। अब आप अंकल जी झूठ बोल रहे हैं। नहीं झूठ नहीं बोल रहे हैं, 2014 के पहले गोंडा जाने के लिए लखनऊ से सड़क नहीं थी, भैया नहीं थी। 2012 में गया था, कहाँ 2012 में गया था लखनऊ से गोंडा, गए थे अखिलेश यादव जी जो बता रहे हैं, और जो सड़क बनी है अभी 2014 के पहले सड़क नहीं थी। लखनऊ से गोंडा जाने वाली जो सड़क है 2014 के बाद बनी, उठे हुए जाइए पतली सड़क थी, उसके बाद गोंडा में किसी भी विधानसभा में चले जाइए आपको सड़क नहीं मिलती, लाइट नहीं मिलती। और आज जब से मोदी जी आए हैं और उसके बाद 17 में योगी जी आ गए, रफ्तार बढ़ गई, सरजू तक जहाँ तक मुर्दा फूंका जाता है। सड़क 2014 के बाद बनी, उसके पहले सड़क नहीं बनी, उसके पहले सड़क कहाँ थी, गोंडा की नहीं थी, नहीं थी भैया। और क्या क्या लगा 2014 के बाद? 2014 देखिए सिलेंडर का क्या था, लोग कह रहे कि सिलेंडर महंगा हो गया, आपको लगता है महंगा हुआ कि सस्ता हुआ? महंगा कुछ नहीं हुआ है, कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं, कोई महंगाई नहीं है। आप कह रहे हैं, सुनिए सिलेंडर पहले क्या था, हमको जाना था पड़ता था, हम घर से 40 किलोमीटर दूर, वहाँ पर लाइन लगाते थे, वहाँ पर लाइन लगाते 40 किलोमीटर दूर जाते थे, हाँ लाइन लगाते थे। कहाँ से कहाँ जाते थे आप लेने? मैं बेलसर ब्लॉक से जाता था नवाबगंज, जो सांसद बिजभूषण शरण सिंह का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ सिलेंडर मिलता था, वहाँ सिलेंडर मिलता था, सिलेंडर बढ़िया मिलने लगा, घर आने लगा, अरे पान की धाबली हो गई है, सिलेंडर महंगा होगा कोई दिक्कत नहीं, कहाँ दिक्कत है, महंगा है ही नहीं वो, कहाँ महंगा है भैया, लकड़ी जो लकड़ी होती थी लकड़ी नहीं मिलती थी,
आज 1000 रुपये कहीं से आदमी व्यवस्था करके लगा लेता है, 800 रुपये सिलेंडर खरीद लेता है, सिलेंडर खरीद लेता है। और क्या क्या बदला 2014 के बाद? बदला ये बदला कि बैंकों में लाइन लगा लो, तो दिन भर आदमी की दिहाड़ी चली जाती थी, पूरा दिन एक गरीब आदमी जाता था, बैठा रहता था, तब उसको पैसा मिलता था बैंकों में। हाँ, आज ऐसे अंगूठा रखते हैं चप से निकल। लाइन कब लगती थी ये बताइए? हैं, बैंकों में तो हमको लग रहा लाइन अभी लगी है, कुछ दिन पहले। कहाँ लाइन लगी? मोदी जी आए तो बैंकों में लाइन लगवाए। नोटबंदी की बात मत करिए, इस समय आप किसी भी बैंक में जाइए आपको लाइन नहीं लगाना पड़ेगा, जगह जगह दुकान खुला, लाइन खत्म हो गई।